चलिए हम आपको इस चोली के साथ का नीचे का घेरा बताते हैं किस तरह से हमने बनाना है। चोली को हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल में, और 6 नंबर कान्हा जी के लिए हमने ये चोली को बनाया था, ये देखिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कान्हा जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम कान्हा जी की नीचे का घेरा बनाते हैं इस चोली के साथ का। तो यहाँ पे चोली में 35 फंदे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए। सबसे पहले हम ये देखिए, पहला फंदा उतार के धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बना लेते हैं इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद मैं हर फंदे से इस तरह से फंदा बढ़ा के कंप्लीट कर लेती हूँ, ये देखिए। जाली डालते हुए ये देखिए, इस तरह से हर फंदे से फंदा हम बढ़ा रहे हैं जाली डालते हुए। चोली को हमने अपलोड कर दिया है, यहीं से मैं आपको इसका नीचे का घेरा बता रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे ये देखिए, हम हर फंदे से जाली डालते हुए फंदा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ये देखिए। इस तरह से धागा अपनी तरफ, इस तरह से धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए, यहाँ पे हम डोरी भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम पूरी सिलाई को इसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जाली डालते हुए पूरी सिलाई पे फंदा हमने बढ़ा लिया है, और ये देखिए धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों पे हम 2 फंदे सॉरी उल्टे बनाएंगे, लास्ट का सीधा बना लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे एक सिलाई पे हम जाली डालते हुए फंदा बढ़ा लिए हैं, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे, जो बड़े हुए फंदे हैं सभी को इस तरह से। तो चलिए हम उल्टी सिलाई को बना लेते हैं, सीधी पे आपको फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमने उल्टी सिलाई भी बना के कंप्लीट कर ली है, और 3 फंदों पे इधर नहीं बढ़ाए हैं हमने फंदे, और 3 फंदों पे इधर, तो 29 फंदों पे मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पे 29 ही फंदे मैंने बढ़ा लिए। इसके बाद हम फिर से दूसरी सिलाई पे हैं, हम इसका घेरा बड़ा बनाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे उल्टे बना लिए हैं। इसके बाद हम अब जाली नहीं डालेंगे, इस तरह से हमने फंदा बढ़ाना है, ये देखिए। सॉरी, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा सीधा, इस तरह से हम फंदा यहाँ पे बढ़ा के कंप्लीट कर लेते हैं। एक फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, फिर इसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये देखिए इस तरह से। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इस तरह से बना लेते हैं। फिर से बता रहे हैं, ये देखिए एक फंदा सीधा बना लिया है। इसके बाद ये देखिए, एक फंदा हमने सीधा बनाया है, धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यानी कि 29 फंदों पे मैं फिर से फंदा बढ़ा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब एक फंदा सीधा बनाया, ये देखिए ध्यान से, धागा अपनी तरफ, एक फंदे पे इस तरह से फंदा हमने बढ़ा के कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। धागा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये देखिए इस तरह से। एक फंदा हम उल्टा बना रहे हैं, एक फंदा सीधा, दूसरे फंदे पे हम इस तरह से, ये देखिए एक फंदा मैंने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ है ये। अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ाते हुए एक फंदा हमने उल्टा बना लिया है, फिर वापस इसी सिलाई में डाल के इसी फंदे में एक फंदा हमने सीधा बना लिया है। इसके बाद हम फिर से फंदा सीधा बना रहे हैं, फिर से हमने एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इस तरह से हम पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई को उल्टा बना लेते हैं, इसके बाद हम आपको फिर दिखाते हैं। मैंने फिर से दूसरी सिलाई पे 29 फंदों पे फंदे बढ़ा लिए हैं, तो 2 सिलाइयों पे हमने फंदे बढ़ा लिए हैं।
टोटल फंदे मैं बता रही हूँ, 90 और 3 फंदे हैं हमारे इसमें टोटल फंदे, क्योंकि मैंने ये 6 फंदे इधर, ये 3 फंदे इधर रखे थे और 3 फंदे इनको सभी को लगा के मेरे 90 और 3 फंदे हो रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम उल्टी सिलाई को, तो फ्रेंड्स ये देखिए हम उल्टी तरफ हैं, हमने फंदे वाली सिलाई बना ली है। अब मैं उसी सिलाई पे उल्टी सिलाई पे हूँ, यानी कि यहाँ पे ये 3 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, चौथी सिलाई है ये हमारी। तो यहाँ पे ये देखिए हम डिजाइन बनाएंगे, तो किस तरह से हमने बनाना है, यहाँ पे ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये देखिए 6 फंदे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हमने येलो लगाना है, तो यहाँ पे मैं एक फंदा येलो का बनाऊंगी इस तरह से। इसके बाद हम वापस 6 फंदे फिर से बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 और ये देखिए 6, एक फंदा हम येलो का बनाएंगे इस तरह से। साथ साथ भी ले जा सकते हैं आप इसके येलो धागे को। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये देखिए 6, इसके बाद एक फंदा येलो का बनाएंगे इस तरह से। फिर हम आगे के 6 फंदे बनाएंगे, तो इसी तरह से उल्टी तरफ से हम पूरा डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लेते हैं। 6-6 फंदे हमने मैरून से बनाने हैं, एक फंदा हमने येलो का बनाना है। तो यहाँ पे इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये देखिए 6, इसके बाद एक फंदा येलो का इस तरह से। फिर 6 फंदे बनाएंगे, तो ये उल्टी सिलाई को इसी तरह से पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको फिर दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे 6 फंदे मैरून से बनाए हुए हैं और एक फंदा येलो से बना लिया है, उल्टी सिलाई पे हमने इस तरह से बना लिया है। अब ये देखिए हम सीधी सिलाई पे हैं, यहाँ पे डिजाइन वाली पे, तो 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बना लेते हैं इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद हम उल्टी ही सिलाई बनाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने ये देखिए 6 फंदे बनाए थे, इस बार मैंने ये 5 फंदे बना लिए हैं और हमने पीछे धागा करना है। 6ठा फंदा हमारी सिलाई में है, ये यहाँ पे हम डिजाइन बना रहे हैं, ये देखिए धागा अपनी तरफ करके, ये देखिए ये मैरून वाला फंदा मुझे येलो से ही बनाना है सीधी सिलाई पे इस तरह से, ये देखिए। और जो मैरून येलो वाला फंदा है इसको भी हम येलो से ही बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे 3 फंदे हम बना लिए हैं येलो से, पीछे हम धागा कर लेंगे इस तरह से। हमने थोड़ा सा इसको टाइट नहीं बनाना है, लूज ही रखना है, ये देखिए 1, 2 और ये देखिए 3 और ये देखिए 4। इसके बाद हमने 4 फंदे बना लिए हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे ये देखिए 3 फंदे येलो से बनाएंगे इस तरह से। उल्टे फंदे ही हम पूरी सिलाई को उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये देखिए बहुत ही हमने ध्यान रखना है, हमने थोड़ा टाइट नहीं बनाना है क्योंकि हमारा ये डिजाइन फिर खिंच जाएगा, थोड़ा लूज ही रखना है। ये देखिए बहुत आसान है और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है, किसी भी स्वेटर में आप इसे डाल सकते हैं, बच्चों के में भी। ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये देखिए 4 फंदे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हम धागा पीछे कर लेंगे मैरून का, आगे हमने येलो लाना है। तो यहाँ पे 3 फंदे, एक हम इस साइड का और एक इस साइड का और बीच वाला येलो, इस तरह से हम 3 फंदे बना लेंगे। देखिए 1, 2 और ये देखिए 3, इसी तरह से पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है, इसके बाद हम उल्टी सिलाई पे हैं। तो उल्टी सिलाई पे हमने ये देखिए
दो, और ये देखिए तीन, चार, चार फंदे शुरुआत के बना लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए एक येलो के हम आप पांच फंदे बना लेंगे। तीन फंदे हमने सीधी सिलाई पे बनाए थे, दो, तीन, चार, और ये देखिए पांच। तो यहाँ पे पांच फंदे हो चुके हैं येलो के। इसके बाद हमने यहाँ पे दो मैरून से बनाने हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम पांच फंदे येलो के बनाएंगे, तीन फंदे हमने सीधी सिलाई पे बनाए थे, तो इसी तरह से ये सिलाई को उल्टी को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे पांच फंदे हम बना चुके हैं, ये देखिए एक, दो, अब पांच, ये देखिए एक मैरून का इस साइड से और एक इस साइड से, तो यहाँ पे पांच फंदे येलो के हो जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से एक, और ये देखिए दो, तीन, चार, और ये देखिए पांच। तो ये हम इसी तरह से पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं यहाँ पे और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई बना ली है, ये देखिए मैं सीधी सिलाई पे हूँ। तो यहाँ पे डिजाइन की तीन सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब चौथी सिलाई पे हम ये देखिए जिस तरह से हमने डिजाइन को बनाया है उसी तरह से हम अब कम करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये देखिए पांच फंदे हो चुके हैं येलो कलर के। अब ये देखिए यहाँ पे हम इस साइड से, ये देखिए एक फंदा हमने येलो वाला मैरून से बना लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब येलो के हम तीन फंदे बनाएंगे। अब हम फंदे कम करते हुए जा रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने नीचे से बनाया हुआ है एक फंदे तक। ये देखिए इधर इस साइड का भी हम एक फंदा, तो यहाँ पे ये देखिए एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हमने महरूम से बना लिए हैं, सॉरी, तीन फंदे हमने महरूम से बना लिए हैं। अब हम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए चार फंदे मैरून के हो गए हैं। अब यहाँ पे तीन फंदे हम येलो से बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए धागा हमने, ये देखिए इस तरह से धागा हम पीछे कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमने एक, दो, तीन, चार, ये देखिए इस तरह से येलो के हमने अब तीन फंदे ही बनाने हैं। ये देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे ये डिजाइन को, पूरा डिजाइन इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए तीन फंदे, हम पांच फंदे थे हमारे येलो के, तो एक साइड से हमने येलो वाला फंदा मैरून से बना लिया, एक इस साइड का और एक इस साइड का। देखिए इस तरह से तीन फंदे हम बनाए। इसके बाद धागा हमने पीछे कर दिया है, मैरून को हम आगे लाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए एक, दो, तीन, चार, इस तरह से। तो चलिए हम पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से, फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये डिजाइन पूरा हो चुका है। यहाँ पे एक ही फंदे से जिस तरह से मैंने शुरू किया था वहीं यहाँ पे हमारा एक ही फंदा रह गया है अब, ये देखिए। और सीधी सिलाई पे जो ये मैंने सीधी सिलाई बनाई है, इसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः फंदे महरूम से बना लिए हैं और एक फंदा मैंने येलो से बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक ही फंदा, छः फंदे हमारे हो चुके हैं महरूम कलर के जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था उसी तरह। अब ये देखिए उल्टी सिलाई पे हम पूरी सिलाई को महरूम से ही बना के कंप्लीट करेंगे। और हमने महरूम की यहाँ पे फिर से इसी तरह से दो सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम ये देखिए इस तरह से यहाँ पे, ये देखिए पूरा डिजाइन हमारा बन चुका है। पूरी सिलाई हम महरूम से बना रहे हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं इसी तरह से, हम इस डिजाइन को बनाएंगे। इस घेरे में दो सिलाइयाँ महरूम से बनाऊंगी, फिर इसके बाद इसी तरह का डिजाइन हम दोबारा डालेंगे। तो इसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा हमारा पूरी सिलाई को हम, ये देखिए महरूम से ही बना रहे हैं।
और डिजाइन की टोटल छह सिलाइयों पे हमारा डिजाइन ये बंद हो गया है। ये देखिए इस तरह से छह सिलाई हमने इस डिजाइन में बनाई हुई हैं, ये देखिए इस तरह से। तब हम इसके फंदे घटाएंगे थोड़ा सा, जब अच्छे से दिखेगा ये। अभी इसमें ज़्यादा फंदे हो रहे हैं तो हमारा ये डिजाइन इस तरह से ये ढक रहा है, ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन दिखेगा। तो चलिए हम बना के इसी तरह से पूरी ड्रेस में कंप्लीट करते हैं, दो सिलाइयाँ बना लेते हैं। इसके बाद हम फिर से यही डिजाइन डाल के यहाँ पे सभी फंदे बंद कर देते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा घेरा बनके कंप्लीट है और ये हमारी देखिए ड्रेस बनके कंप्लीट है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पूरा डिजाइन बताया था आपको, तो ये मैंने यहाँ पे डिजाइन मैंने उसी तरह से बनाया है, पर जहाँ पे ये येलो कलर के 5 फंदे हो गए हैं तो मैंने इसी तरह से ये सभी फंदे 5 फंदे के बाद मैंने ये मैरून कलर से पूरी सिलाई को बना दिया है। इस तरह से हमने इसको बनाया है, ये देखिए। तो ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन बन के आ गया है और काफ़ी बड़ा मैंने इसका घेरा बनाया है, ये देखिए। और ये 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बहुत ही सुंदर बन के कम्प्लीट हो गई है। आप यहाँ पे कोई भी तरह का कंगूरा आप डाल सकते हैं। और ये मैंने जो बनाया है ये 6 फंदे को 6 बार बना लिया है, इसके बाद 2 फंदे घटाए हुए हैं। ये मैंने काफ़ी वीडियो में अपना बताया हुआ है इसी तरह से, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कान्हा जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।